भिलाई स्वास्थ्य संयंत्र के टीए और टीओटी प्रशिक्षुओं द्वारा उनकी नियुक्ति पर लगाए गए रोक के बाद से लगातार संघर्ष किया जा रहा था, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है, जिससे अब उन्हें न्याय मिलने की आस दिखाई दे रही है और हाईकोर्ट का शिकंजा बीएसपी प्रबंधन पर कसता जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा टीए और टीओटी प्रशिक्षुओं की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेशानुसार रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से यह लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र के एक उच्चाधिकारी का नाम उभर कर सामने आ रहा है, जिनके द्वारा हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेज फर्जी हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए गए थे, और अब इसे देखकर हाईकोर्ट का शिकंजा भिलाई इस्पात संयंत्र पर कसता जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं इन प्रशिक्षुओं को अब न्याय की आस दिखाई दे रही है। इन टीए और टीओटी प्रशिक्षुओं ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने पूरे संघर्ष की जानकारी उपलब्ध कराई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के उन उच्चाधिकारियों का नाम भी साझा किया, जिन्होंने इनके साथ साथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भी अपने काले कारनामों से अंधेरे में रखा और छल किया है। इन प्रशिक्षुओं की समस्याओं को अब राज्य सरकार भी संज्ञान में ले रही है और जल्द से जल्द इन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। देखिए, टीए टीओटी के जितने भी परीक्षार्थी उस समय थे, इन्होंने प्रशिक्षण भी पाया, इनको आश्वासन भी मिला कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी। लगभग 400 से लेकर 450 ऐसे लोग थे जिनको कि इनका अधिकार बनता था इनको रोजगार मिले। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र का जो तानाशाही रवैया है, वो ये दिखाता है कि उन्हें किसी को रोजगार देने से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने अधिकारियों के साथ मिलकर शोषण करना आता है। अब इन्होंने दस्तावेज ऐसे कूटरतीज बनाए जिनके माध्यम से इन्होंने इनके जो अधिकार थे उसको रोक दिया। बाहर से किसी को बुला के उसके खिलाफ उन्होंने लिखवाया और कोर्ट में भी दिलवा दिया, और जिसके आधार पर इनकी भर्तियाँ रुक गई। इनकी लड़ाई न्याय के है, और इनके साथ अगर हम लोग साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि इनको अधिकार मिले। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार आज तक जितने भी आपने देखा होगा, पिछले 4 वर्षों में न्याय दिलाने का ही काम किया है, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, युवाओं का हो। तो इसमें भी हमें भरोसा है कि हम इनको न्याय दिलाने की जो कोशिश है उसमें बिल्कुल इनके साथी बनेंगे। अभी कल भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की बात आई, तो ये मतलब है कि हमारी सरकार संवेदनशील है और हम लोग इनकी लड़ाई में पूरी तरीके से साथ हैं। चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे जन आंदोलन की बात हो, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। देखिए, अपने से ताकतवर से लड़ना है तो कहीं ना कहीं तैयारी के साथ लड़ना पड़ता है, और इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान में लेकर ये नोटिस जारी कर दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए, और अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं या जो भी जवाब देंगे, और जितना कि इन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी जांच करा ली गई है कि इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज तैयार किए हैं, और इनका अधिकार जायज़ है, इनको मिलना चाहिए और मिल के रहेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रेस के माध्यम हम यही चाहते हैं कि आज जो माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ ने जो संज्ञान में लेके जो इतने वर्षों से लगातार फर्जी तरीके से एक हमारे ऊपर थोपा गया आदेश था वहाँ का, उसी अदालत के माध्यम से आज एक संज्ञान में लिया गया मामला, और हम लोग को आज बिल्कुल एक विश्वास है कि जितने भी इससे पीड़ित लोग हैं सभी को इस पर न्याय मिलेगा और उचित न्याय मिलेगा। और जितने भी अधिकारी इसके हैं और जो भी इसमें नाम और भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने इस आदेश के बारे में लिख के दिया है कि इस वजह से ये भर्ती रोकी गई, जो कि सरासर गलत है, जिसको माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस चीज को माना है, और जो भी इसमें और भी अधिकारी के नाम उसमें आएंगे, हम माननीय न्यायालय से वो करेंगे, निवेदन करेंगे, उनको भी उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इस आदेश की वजह से हमारे बीच के ना जाने कई लड़के आत्महत्या कर लिए, और कई परिवार जो बुरी तरह विकलांग हैं, और कई लोगों को इतनी भारी क्षति पहुंची है, और हम माननीय न्यायालय को बार बार इसका निवेदन करेंगे कि इन सारे चीज़ों का हर उसके परिवार तक को पूरा का पूरा क्षति प्रदान की जाए। जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है, और इसीलिए ही 8 दिन के अंदर में उसको रजिस्टर्ड करके मामले को संबंधित जो भी आरोपी अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से हमारा जो कॉल जो आया था, रोजगार से कॉल आया था, हम लोग फाइट किए, इंटरव्यू भी दिए, मेडिकल हुआ, रिटर्न हुआ, उसको पास पूरा फॉलो करते हुए हमारे ज्वाइनिंग हुई। जो 8184 लोगों की भर्ती हो चुकी है, जो 600 लोगों की भर्ती इन लोगों ने रोक दी है। क्यों रोके हैं इन लोगों ने? हमारे आज तक कोई नेता लोगों ने, जितने भी यहाँ के मैं नेता लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारी बात उठाएँ, वो सामने लेकर आए।
जो आज अभी आजकल जो आ रहा है लड़के जो भटक रहे हैं, लड़के लोग जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को जो पहले भर्तियाँ होती रोजगार के माध्यम से वो भर्तियाँ हुए फिर से चालू किया जाए। यही आप यहाँ के जितने प्रतिनिधि यहाँ मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो रोजगार कार्यालय को फिर से चालू किया जाए जो भर्तियाँ होती थी बीएसपी में। इसका मूल उद्देश्य यह था कि एक तो इतने बड़े फर्जीवाड़े को जिसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय के तरफ से उजागर किया है और माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेकर उजागर किया है और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि भिलाई स्टील प्लांट और उसके अधिकारी लोग भी ये जाने और यहाँ के जो स्थानीय जनता वो भी जाने, जनप्रतिनिधि भी जाने कि इतने दिन की जो हमारी लड़ाई थी, हमारी आंदोलन थी, वो सत्य की लड़ाई थी और हमको न्याय मिलेगा। और इस मामले में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बस कि जो फर्जीवाड़ा जो जिन अधिकारियों ने किया है वो साबित होगा और इनके ऊपर अपराध दर्ज होगा और इसमें सेल की जो मौन स्वीकृति थी उसके कारण कोर्ट निर्धारित करेगा और हम क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे और इतने दिनों से जो हमको प्रदान किया गया वो सारे चीज़ का क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे और एक न्यायिक कमेटी बनाकर भिलाई स्टील प्लांट में जो भी भर्ती हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी भर्तियाँ हुई है भ्रष्टाचार पूर्वक भर्ती हुई है। इसके बाद षड्यंत्र के बाद टीए और टीओटी प्रशिक्षुओं ने मांग की है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के वे उच्चाधिकारी जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके उन्हें अंधेरे में रखने का प्रयास किया है और जिनकी वजह से इनकी भी जिंदगी खराब हुई, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।